कितना खर्चा आ गया इसको बनाने में? खर्च इसका अप्रोक्सीमेटली आया है भाई लगभग। तो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज योर वंटी ब्लॉग। कैसे हो? तो आज ओपन ही रोड पे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना दिखा दिया जाए एक रोस्पा टावर में। राजू भाई बाइक मॉडिफाई करते हैं, मेरे को कॉल किए थे, कुछ बाइक हुआ है ऐसा, और दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे आने के लिए आसान तरीका है, रांची का सेंट्रल मॉल दिख रहा होगा इधर, वहाँ से जस्ट अपोजिट में आपको मिल जाएगा बाइक मॉडिफाई का। तो अभी चलते हैं अंदर, और जाने से पहले बोलेंगे जो लोग इस चैनल पर नहीं हो भाई सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। एक्चुअली अभी बहुत धूप लग रहा है। तो अभी आ गए हम लोग होंडा हाउस में, और यहाँ देख लीजिए कितना काम हो रहा है गाड़ी का। यहाँ देखिए स्पीकर वगैरह सारा लग रहा है ये चीज़। तो राजू भाई उधर कस्टमर को डील कर रहे हैं, उल्टा दोनों साइड बना लीजिए। तो राजू भाई उधर कस्टमर को डील रहे हैं। कैसे हो राजू भाई? बढ़िया है। कैसे हो मोंटी भाई? बहुत दिन के बाद याद किए यार। अरे कहाँ, इधर बस। और बताइए सब बढ़िया है भाई? पूरा काम चल रहा है बढ़िया। आज क्या ऑडियंस को दिखाने वाले? कल रात में आप फोन किए थे कि आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है। एक स्पेशल चीज़ बताइए क्या है? कस्टमर एक फ़ोटो लेके आया था कहीं का मॉडिफिकेशन का, गूगल से सर्च करके। अच्छा। वो बोला सेम उतारना है राजीव भाई, उसका बर्थडे आज। अगला कस्टमर का बर्थडे देना है, मतलब करके देना है। सेम उसी तरीके से उतार दिया। बहुत बढ़िया। आप उसका सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय करें, ऑडियंस को बोल रहा हूँ आप सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय कीजिए, बहुत ही पसंद आएगा आपको। हाँ एकदम पसंद आया, 100%। हम याद ही कर रहे थे आपको, कल तो कॉल भी किया था। अच्छा, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है, और दिखाते हैं आपको कैसा काम हुआ है उसमें। और जाने से पहले बोलेंगे लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिए हम लोग, क्योंकि प्राइस वगैरह बताने से पहले हम लोग को लग गया भूख। राजू भाई इधर पूरा लगे हैं। तो हम लोग खाना खाने के बाद बताते। तो हम लोग आ गए स्टेशन रोड में, एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है और यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, मैं भी दिखाऊंगा। और इधर देख लीजिए अली है और गोल्डन में सब खाना चल रहा है। इधर प्योर देसी खाना दिखाते हैं खाने में क्या क्या है। खाने में देखिए यहाँ जैसे दाल चावल, पट्टल का सब्जी, अचार, प्याज, आलू, आलू का चोखा, पट्टल का भुंजिया एंड इधर पापड़, इधर दाल। तो ये कैसा लगा खाना? मुझे तो बहुत पसंद आया यहाँ का खाना। कैसा लग रहा है गोल्डन बाबू? बहुत बढ़िया। घर का याद आ गया। घर का याद आ गया, घर वाले का याद आ गया। हम तो डेली खाते हैं बिरयानी वगैरह वे, लेकिन आज सादा खाना खा के मज़ा आ गया। ओके, तो फाइनली मैं आ गया अब खाने वाने खा के बाद। तो राजू भाई आ गए, इधर आइए राजू भाई। बड़ा मस्त खाना खिलाया भाई। मज़ा आ गया खाने में। बोलिए अब आते हैं गाड़ी पे, ठीक है, कि गाड़ी ये क्या मॉडिफाई की इसमें। पहले दिखाई फ़ोटो, कस्टमर कैसा दिखाया था फ़ोटो? ये था। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ़ोटो, ये फ़ोटो था और सेम उसी तरीके का आप उतार दिए। अच्छा, ये ओरिजिनल है? देखिए ये ओरिजिनल है। अच्छा, रॉयल इनफील्ड के ये ओरिजिनल था? नहीं नहीं, मतलब मॉडिफिकेशन हुआ। अच्छा, मॉडिफिकेशन हुआ, सेम इसी के तरह उतारना था? सेम उतार दिया। तो इन्होंने अभी जैसा आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे वैसा ही सेम कॉपी यहाँ पे उतरा हुआ है सीट कवर वगैरह के साथ। तो देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन, क्या क्या किए थोड़ा बताएं। इसका मडगार्ड, मेडिगार्ड आगे का, मेडिगार्ड मॉडिफिकेशन हुआ है। अच्छा, आगे का मेडिगार्ड चेंज हुआ है। और हेडलाइट, हेडलाइट पूरा हेडलाइट चेंज हुआ है, असेंबली चेंज हुआ पूरा। अच्छा, और ये
ये भी चेंज हुआ है, पेंट हुआ है, पेंट हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल उसी का था, ये पेंट हुआ है। ये अलग अलग है एलईडी वाला। अच्छा ये एलईडी वाला टर्निंग लाइट वाला। अच्छा ये अलग लगा हुआ है, एक अलग से लगा हुआ है, और क्या लगाए हैं नया चीज़ बताइए। नहीं इसका मॉडिफिकेशन है। किसका? ये बॉक्स लगा है। अच्छा वो बॉक्स आप बैठाए हैं? हाँ अलग से बॉक्स लगा। अच्छा ये बॉक्स है, ये पोर्शन। अच्छा ये मॉडिफिकेशन हुआ कट के, ये साइड वाला भी। अच्छा और ये नंबर प्लेट आपने लगाया है? काफ़ी अच्छा लग रहा है नंबर प्लेट भी, सीट बन के आया है। अच्छा ये जो कलर जो कॉम्बिनेशन आपने किया, ये खुद से किया आपने? हाँ बस जैसा कस्टमर फोटो ला के दिया वैसा बनाया। अच्छा एयर फिल्टर लगा इसका। अच्छा एयर फिल्टर देख लीजिए यहाँ पे कैसा लगा। ये ओपन है एयर फिल्टर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? वो साफ हो जाता है, साफ हो जाता है, सर्विसिंग में साफ हो जाएगा। इस साइड भी देख रहे हैं आपने पेंट किया अलग, और साइलेंसर वगैरह भी चेंज किया है क्या? चेंज हुआ है साइलेंसर? चेंज हुआ ना, इंडोर ही लगाया, पहले नॉर्मल लगा। अच्छा ये पीछे मड गार्ड भी मॉडिफिकेशन हुआ, ये मड गार्ड पूरा मॉडिफिकेशन हुआ। अच्छा ये भी देख सकते हैं कि पूरा मॉडिफिकेशन हुआ है। बाकी साइड प्रोफाइल तो आपने देख लिया होगा कि कैसा चल रहा था और कितना अच्छा लग रहा था, कि मतलब साइड से देखने में कमाली लग रहा था लुक, और जिस तरीका से फ़ोटो दिए थे उस तरीका से हो गया। आते फाइनल बात, कितना दिन में इसे बनाया आपने? इसमें लग गया है मेरा भाई 25 दिन। 25 दिन लग गया बनाने में, ये सीट कवर वगैरह पूरा ये सेटअप करने में पीछे आपको। मॉडल का बुलेट था ये 2018 मॉडल का, 2018 मॉडल का। ओके अब बताइए कितना खर्चा आ गया इसको बनाने में? खर्च का अप्रोक्सीमेटली आया है भाई लगभग 40,000। 40,000 पेंट करके, पेंट स्टिकरिंग साइलेंसर सीट। अच्छा साइड का मॉडिफिकेशन, एयर फिल्टर, हेडलाइट, इंडिकेटर पूरा कंप्लीट 40,000 में कंप्लीट। लाइट वगैरह सारा चेंज सब सब, मतलब सिंपल एक बुलेट ला के देना है आपको, और जिस तरीका से आप अभी एलसीडी में फोटो देख रहे हैं उसी तरीका से मॉडिफिकेशन हुआ है। मतलब 40,000 के लगभग कुछ कम भी होता है इसमें? आपका है तो होगा। अच्छा यानी कि मेरे थ्रू आएंगे ड्राइवर होगा तो होगा 10% डिस्काउंट हमेशा की तरह। अच्छा तो मेरे थ्रू आइएगा तो आपको कम हो जाएगा, और एड्रेस तो आपको शुरू में बता दिए लेकिन फिर भी ये बता देंगे आपको एड्रेस कहाँ पे है, कैसे आना है? मेन रोड में रोशपा टावर के बगल से गली गई है, सेंट्रल मॉल के जस्ट अपोजिट। पुराना लैंडमार्क बोलिएगा तो राज हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट। अच्छा नया लैंडमार्क हो गया सेंट्रल मॉल, सेंट्रल मॉल ये स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया है, जस्ट गली अंदर जाइएगा बगल में है, मतलब पास में ही दिख जाएगा दूर से ही। अच्छा और कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका नंबर अभी दिख रहा होगा नंबर, तो नंबर दिया हुआ है। कॉलिंग करने का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, बाकी रात में परेशान मत हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ठीक है तो बस यही था मुझे दिखाना था, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग भी मॉडिफिकेशन अगर कराना है चीप एंड बेस्ट में, ये रेट जो बोले ये रेट फिक्स नहीं है, आप यहाँ आकर के आपके हिसाब से लग भी सकता है रेट, ऐसा नहीं है ना, अगर सामान कुछ कम लगेगा तो रेट कम हो जाएगा, सामान के हिसाब से पैसा लगता है और कुछ मेहनत आना लगता है कि नहीं राजू भाई? लेबर कॉस्ट लगता है। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, जो लोग इस चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके जाइएगा, खाली हाथ नहीं जाना है ठीक है, एकदम तभी ऐसा ऐसा वीडियो आएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। Thank you.